नमस्कार दोस्तों, आज मैंने बनाया है मूंग दाल का दही वड़ा और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप सब देख सकते हैं इसे, एकदम बहुत यम्मी लग रहा है। आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल का दही वड़ा और मैंने मूंग को भिगा लिया था रात भर। अब हम इसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो आप सब देख सकते हैं मैंने पीस लिया है इस तरीके से। अब हम इसमें नमक डालेंगे हल्का सा। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसको अच्छे तरीके से नमक को मिक्स कर लिया है। अब चलिए हम लोग इसको डीप फ्राई करते हैं। मेरा तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसे फ्राई करूंगी इस तरीके से। स्लो आंच पर हमें फ्राई करना है। साइड में मैंने पानी रखा है जो हम फ्राई करके इसमें डिप करेंगे, जिससे कि हमारा भजिया एकदम से सॉफ्ट रहे। आप सब देख सकते हैं मेरा भजिया हो रहा है। मैंने अभी फास्ट आंच किया है, अच्छे से हो रहा है। भजिए को हम एकदम अच्छे से ब्राउन करेंगे, एकदम अच्छे से पका लेंगे। आप सब देख सकते हैं मेरा भजिया हो चुका है। अब मैं इसको ठंडे पानी में डालूंगी सॉफ्ट होने के लिए। एक्स्ट्रा ऑयल पूरा निकाल लेंगे तभी डालेंगे पानी में। मैंने पानी में डाल दिया है। अब हम और भी भजिया तल के डालेंगे इसमें। तो हमारा भजिया हो चुका है, अब चलिए हम चटनी की तैयारी करते हैं। दोस्तों अब हमें चटनी बनाना है। चटनी के लिए हमें धनिया चाहिए, लहसुन चाहिए और नमक और मिर्ची। अब हम इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे। तो मैंने तीखी चटनी भी पीस लिया है इस तरीके से। अब हम चलो मीठी चटनी बनाते हैं। मीठी चटनी के लिए मैंने गुड़ को भिगा दिया था, वो अभी मेल्ट हो चुका है। और मैंने इमली को भी भिगा दिया था एक घंटा पहले, और अभी ये अच्छे तरीके से भीग चुका है, फूक चुका है। तो अब हम इसे पीस लेंगे। और हमें चाहिए शक्कर, हम इसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे तीनों चीज़ों को। तो अब मेरी मीठी चटनी भी बन चुकी है। और दही बड़े में डालने के लिए हमें ये जीरा पाउडर है जो मैंने भुना था उसको पीस लिया है, काला नमक और लाल मिर्ची। तो ये सब हमें सामग्री लगेगी। अब हम चलते हैं दही बड़ा बनाने के लिए। अब भजिए को हम एकदम अच्छे तरीके से इस तरीके से पूरा पानी निकाल देंगे अच्छे से इस तरीके से। दही में हम थोड़ा सा शक्कर मिलाएंगे हल्का सा। हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे उसे दही को। अब दही हमारी एकदम अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। हम अब भजिए में डालेंगे। इस तरीके से हम भजिए में डालेंगे। अब हम तीखी चटनी डालेंगे जो हमने पीसा था। इस तरीके से और मीठी चटनी।
अब जीरा पाउडर थोड़ा सा, काला नमक थोड़ा सा और लाल मिर्ची। अब ये हमारे खाने के लिए एकदम तैयार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अब चलिए हम इसे खा सकते हैं।